जल्दी से तैयार हो जा। पर पीजी ए तो बहुत टाइट हैगा। इतनी मुश्किल से अखबार में एड देकर एनआरआई मुंडा मिलाएगा। अब देख गोरी चिट्टी मेम लगेगी तभी तो पसंद करेगा तुझे। हाँ जा जल्दी से तैयार हो जा ना। पीजी इसका तो नेक भी बहुत लो है, दादी समझाओ ना बीजी नू। ओए ठीक ही ते कह रही है, एहो जे कपड़े ना पहना इसनू। बीजी समझो समझो, एनआरआई मुंडा आएगा, अब उसे ये तो नहीं लगना चाहिए ना कि हम लोग गमार फैमिली के, उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग भी फॉरवर्ड हैं। जा अब जल्दी से तैयार हो जा, होटल जाना है ना। पर बीजी भाई साहब थोड़ा सा भी देर आ जाए। थैंक यू। अरे आओ ना, आओ खड़े की हो, और तुसी आओ ना। हेलो, ओ यहाँ तो सारा शहर इकट्ठा हो गया है एक लड़के को मिलने के लिए। अब तुसी बैठ जाओ वरना कोई आ जाएगा। देखा मैंने कहा था ना, नहीं बोले जा रहे थे लड़की को तैयार किए जा रही है। देखा लड़कियों को कैसा टिप टाप बना कर आए। ले जल्दी से ना ये लिपस्टिक गहरी कर ले, हाँ फिर एकदम ब्यूटीफुल लगेगी। ले पीछे ले और क्यों लगाऊं? अजी सुखबीर संधु कौन है जी? सुखबीर संधु। हाँ जी पाजी, साड़ा ना ही सुखबीर संधु है। मेरे साथ दो मिनट आ। जी दुपट्टा जरा ऊपर करना। पीजी ये गला पहले इतना बड़ा है, दुपट्टा क्यों ऊपर कर रही हो? अरे करना ऊपर, लड़के को ऐसा ना लगे कि हमारी फैमिली ना फॉरवर्ड थिंकिंग की नहीं है। प्रीतो चल 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 चल, अपना नंबर लग गया है। चलो चलो जल्दी कर, देख टेंशन ना ली, बस जो तेरा गेटअप शेटअप है ना इसको मेंटेन रखना। प्रीतो हो गया मेकअप शेपअप, जल्दी कर। चल 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 दिया। बैठो बैठो जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। सत श्री अकाल बेटा। गुड मॉर्निंग जी। ये हमारी बेटी हरप्रीत कौर, और जी मैं इसकी मॉम, और ये डैड। अरे ये लीजिए, ये इसने अपने हाथों से बनाया, बड़ा ही चंगा बनाती है जी, ये लीजिए। प्लीज आंटी जी, मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की। थैंक यू जी। अरे अरे पता है हमारी हरप्रीत तो ऐसी पट पट अंग्रेजी बोलती है जी, पूरे मोहल्ले के मुंडे और कुड़ियां ना इससे अंग्रेजी सीखने आते हैं जी, और तो और अंग्रेजी के गाने भी गाती है, बड़ी होशियार है जी ये। पुत्र वो अंग्रेजी वाला गाना सुना ना, अंग्रेजी वाला। प्रिटी वुमन देखो देखो ना, प्रिटी वुमन। अच्छा जी अब तो सब चंगा ही लग रहा होगा ना जी, सब ठीक हैगा, तो आगे की बात कर ले। आगे की बात आंटी जी वो एजेंट आपको बता देगा, एक्चुअली मुझे और बहुत लोगों को मिलना है बाहर, सो जो भी होगा वो बता देंगे आप। पाउजी वो पीजी मुझे ऐसे बना ठना कर क्यों लड़कों से मिलाने ले जाती हैं?
जबकि मैं तो ऐसे मेकअप करने वाली लड़की हूँ भी नहीं। ये तो धोखा हुआ ना बाबूजी। अरे हरप्रीत, तेरा दूल्हा तो रब तय करेगा। तेरी माँ थोड़ी पगली है, पर आखिर वो तेरा ही पला चाहती है। परेशान मत हुआ कर, वो जो कहती है तू बस कर दी जाया कर। होना तो आखिर वही है जो तेरी किस्मत में लिखा है। ठीक है मेरी लाडो। प्रीतो देख जरा दरवाजे पर। हाँ नमस्ते। आप ऐसे आइए आइए। अरे हट हट बिटू हट, बैठिए बैठिए। बीजी वो बोली हरप्रीत वाले। अच्छा अच्छा खुश रहो बेटा। अब जा हरप्रीत एक गिलास ठंडा पानी लिया। हाँ और बताओ बेटा यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं शादी जल्द से जल्द करना चाह रहा हूँ। तीन लड़कियां फाइनल की हैं शादी के लिए मैंने, और प्रीत भी उनमें एक है। सोचा कि पहले एक बार मिल लूं। हाँ एक बार हम दोनों आपस में एक दूसरे को जान पहचान ले तो सब कुछ डिसाइड करने में आसानी रहेगी। अरे ये तो बड़े नेक ख्याल है आपके। आपको जो भी पूछना है पूछिए, हरप्रीत इधर ही खड़ी है। एक्चुअली मैं अरे सामने ही खड़ी है, जो भी पूछना है ये सारे जवाब देगी। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था कि अगर आप लोगों को मंजूर हो तो मैं हरप्रीत को लंच के लिए लेके। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखिए नया जमाना है, आजकल तो लड़का लड़की को अकेले मिल लेना चाहिए। अब हम लोग भी तो आजकल के जमाने के हैं, कोई गांव के थोड़ी ना है, बड़े फॉरवर्ड लोग हैं हम लोग। हाँ क्यों जी? वो ठीक है बेटा, पर हम चाहते हैं कि बिट्टू सा जाए। ये तो गल आपने एकदम ठीक की। अब देखिए जी, अब हमारा बिट्टू आप लोगों के साथ जाएगा, अब वो कोने में बैठा रहेगा। आप और हरप्रीत आपस में सारी बात कर लेना। हाँ अच्छा मैं हरप्रीत को तैयार करके आती हूँ, ठीक है? चल चल बेटा चल। देख पुत्र, वाहेगुरु जी ने ना हमें ये दूसरा मौका दिया है, अच्छी तरह बात बात करी और हाँ वो पट पट अंग्रेजी में जवाब दी। अब तो साढ़े घर की इज्जत ना तेरे हाथ में है। कोई भी ऐसी गल ना करी जो उसे बुरा लग जाए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग गंवा रहे हैं या उससे कुछ कम है। मेरी प्यारी बच्ची चल। कैसा लगा वीडियो गेम? अंकल इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। आप हंसती बहुत अच्छी लगती हैं। बस यूं ही मुस्कुराती रहा कीजिए।
जी वो एक्चुअली ना मैं लाइक दिस फर्स्ट टाइम लोनली विद बॉय तो नर्वस। हरप्रीत आप मुझसे हिंदी में बात कर सकती हैं, यू नो हिंदी इंग्लिश या पंजाबी ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ना इनका एक ही काम होता है दो लोगों में बात करवाना। बॉनी और हरप्रीत के बीच में कोई समानता नहीं थी। विचार व्यवहार रहन सहन और पारिवारिक संस्कार के लिहाज से भी दोनों में कोई तालमेल नहीं था, लेकिन फिर भी बॉनी हरप्रीत और उस जैसी लड़कियों में दिलचस्पी दिखा रहा था। क्या वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करना चाहता था, या फिर ऐसा करने के पीछे था उसका कोई और मकसद? बस पूछो ही मत, साड़ी हरप्रीत की किस्मत तो बड़ी अच्छी है। अरे इतना सोना लड़का मिला है, एनआरआई है एनआरआई। साड़ी हरप्रीत की तो किस्मत ही खुल गई। हाँ लगता है हरप्रीत आ गई। आजा पुत्र आजा। मुबारक हरप्रीत। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो हरप्रीत। और ये हरप्रीत पुत्र तू अकेली आई, बोनी जी नहीं आए? बीजी अरे तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? बीजी ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ प्रीतो दो मिनट ठंड रख ठंड। ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, हरप्रीत के लिए कर रही हूँ ना। अब गल सुनो, वो जाएगी विदेश, विदेश में मैम की तरह रहेगी, अंग्रेजी लोग जैसे रहते ना वैसे, और फिर तो अपने बिट्टू को भी बुला लेगी। बीजी तू इतने सपने ना दे कभी, अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। वो बोनी जी के बीजी और बाऊजी आएंगे तब सब फाइनल होगा। सच्ची? क्या सिर्फ पैसों की बुनियाद डालकर रिश्ते को कायम करना मुमकिन है? क्या एक लड़के का अमीर होना उसके आदर्श पति होने की गारंटी देता है? शादी के बाद हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी रानी की तरह जाए, लेकिन क्या पैसों के खातिर शादी के बाकी पहलुओं को नजरअंदाज करना उचित है? हरप्रीत की माँ ने यही गलती कर दी। एक एनआरआई लड़के के प्रभाव में उन्होंने शादी के दूसरे अहम पहलुओं को टटोलने की कोशिश भी नहीं की। देखिए भाई साहब, हमारे बेटे को इतनी सारी लड़कियों में सिर्फ आपकी बेटी पसंद आई, और हम अपने बेटे की पसंद की कदर करते, इसलिए हम आपको बता दें बात दरअसल ऐसी कि हमने अपने बेटे के ऊपर काफी खर्चा किया है। हमने उसे विदेश में भेजा पढ़ने के लिए, उसका काम धंधा सेट करवाया, इसलिए हम चाहते हैं कि लेन देन की बात अगर साफ साफ हो जाए तो अच्छा है। जी बिल्कुल, केड़ी मांग है तुम्हारी? देखिए भाई साहब, घुमा फिरा के बात करने की तो आदत हमारी है ही नहीं। वैसे एक लड़की के यहाँ से 25 लाख रुपए कैश और 4 एकड़ जमीन का ऑफर आया है, इसके ऊपर आप जो भी देना चाहे दे सकते हो। वैसे लड़के की पसंद का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। हाँ क्यों जी, मैंने ठीक कहा ना? बेटा जी साड़ी औकात नहीं है कि 25 लाख कैश और 4 एकड़ जमीन दी जाए। आंटी क्या बात कर रही हैं आप, किसने बोला आपको ये सब देना होगा? तुम्हारे घर वालों ने डिमांड रखी है बेटा। एक्चुअली मुझे इस बात का पता ही नहीं ठंडी जी। अच्छा आपने बता दिया, अब बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं घर वालों से बात करूंगा। जिंदा रहे बेटा। मेरे पेरेंट्स ना पुराने जमाने के लोग हैं, उन्होंने ऐसी बात कर दी पर मैं ऐसा नहीं सोचता। खैर ये सब छोड़ो। रूम कैसा लगा? और शादी के बाद हम दोनों का हो जाएगा। सो सेलिब्रेट। जी
मैं ये नहीं पी रही हूँ। Come on, Harpreet. विदेश में सब पीते हैं, पहले कभी नहीं पी तो अब स्टार्ट करो प्लीज मेरे लिए। किसी भी हाल में ये रिश्ता होना चाहिए पुत्र, सिर्फ ये तेरा नहीं तेरे भाई के भविष्य का भी सवाल है। की करके आई है तू, दुनिया में बदनामी करवाएगी हमारी, दुनिया में इतना भी फरौड़ मत बन जाओ कि तुम्हारे पांव तले जमीन ही खिसक जाए। दुनिया को क्या मुझे कहूंगा मैं, आपकी बेटी फंसा रही मेरे बेटे को अपने जाल में। ऐसा मत कहिए, हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दिखाई दे रहा है कैसे संस्कार दिए हैं? जो लड़की शादी से पहले लड़के के साथ संबंध बना ले उसके कैसे संस्कार होते हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है। संबंध उसने अकेले ने तो नहीं बनाए ना। देखिए सुखबीर जी, भाई साहब बहुत बदनामी हो जाएगी अगर ये रिश्ता नहीं हुआ। अरे पिंड में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा साडा परिवार। ये रिश्ता हो जाने दीजिए ना। देखिए अब ये रिश्ता सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है, अगर आप लोग हमें 40 लाख रुपए कैश और 5 एकड़ जमीन दें तो। हरप्रीत के साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका था लेकिन फिर भी उसके माँ बाप बोनी के साथ उसकी शादी करवाने के लिए राजी हो चुके थे। बोनी और उसके परिवार के बिछाए हुए जाल में हरप्रीत और उसके माँ बाप आखिरकार फंस ही गए। इसके बजाय अगर हरप्रीत के माँ बाप ने बोनी के खिलाफ उसी वक्त कंप्लेन लिखवाई होती जब उसने दहेज का पैसा मांगा था तो हरप्रीत को वो सब कुछ ना सहना पड़ता जो उसने शादी के बाद सहा। क्या बात है, शादी से कुछ नहीं? मेरी वजह से पीजी और पाउजी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या मतलब? मतलब तुम्हें मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया ना, तुम भरोसा रखो मैं एक एक पाई वापस कर दूंगा। तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा है ना, उनको तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। तो फिर क्या सोचा तूने बोली? सोचना क्या पापा, 5 एकड़ जमीन मिली है उसे बेचने के लिए भी अच्छा सा खरीदा ढूंढ लिया, अब जमीन बेच के ना वहां पे जाके स्टोर शुरू करूंगा मैं, अच्छा काम चलेगा वहां। सुन तेरा जाने का प्रोग्राम कब का है? 10 दिन बाद। आप 10 दिन बाद जा रहे हैं और आपने मुझे बताया नहीं। हाँ मैं बताने वाला था, ये देख मैं तेरा ना ये वीजा का फॉर्म लाने में बिजी हो गया था, पापा को बोल दूंगा आपका वीजा निकलवाने के लिए, बस 2-3 महीने के बाद आपको वहीं बुला लूंगा मैं, साइन कर। अरे साइन कर तभी पहुंचेगी ना वहां पे। कहाँ? यहाँ पे, यहाँ
यहाँ हरप्रीत पर शादी की साजिश का जाल कसने लगा। मोटी रकम वसूलने के बाद उसका पति बोनी कनाडा रवाना हो गया और पीछे छोड़ गया हरप्रीत के लिए सिर्फ इंतजार। उधर बोनी के रवाना होते ही हरप्रीत के साथ बदसलूकी का दौर शुरू हो गया। ओए, उठे रुक। हेलो। हाँ बोनी बेटा, कैसा है बेटा? तू यहाँ क्यों खड़ी है? साफ सफाई बाकी है ना? पहले जाके किचन साफ कर, बाद में बात कर लेना बोनी से। हरप्रीत की जिंदगी के दिन गुजरते चले गए। हरप्रीत की बोनी से बात तक नहीं होती थी और हरप्रीत की हालत बद से बदतर होती चली गई। हेलो हेलो। हाँ हरप्रीत। बोनी जी क्या बात है? बोनी जी आप कब आएंगे? मेरा आपके बिना यहाँ पे मन नहीं लगता। मम्मी जी और पापा जी ने अभी तक वीजे के लिए अर्जी भी नहीं दी है। मैं क्या करूँ? देखो तुम परेशान मत हो, ठीक है? अगले हफ्ते आके मैं खुद सारा काम करवा दूंगा। आके मम्मी पापा से बात भी करूंगा मैं। तुम ध्यान रखना अपना, वहां पे रात काफी हो चुकी होगी, अभी सो जाओ, ठीक है? रखता हूँ मैं जी। आप लोग बेवजह ही परेशान हो रहे थे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कैसी खबर? आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ? आप लोगों को खुशी नहीं हुई? देखिए डॉक्टर साहब, बात दरअसल ऐसी है कि अभी हमें फिलहाल ये बच्चा नहीं चाहिए। Would you like to speak to? जी, बोनी जी है? He's sleeping. Who's this? कौन बोल रहा है? मैं बोनी की वाइफ बोल रही हूँ। तो अब तू चोरी भी करने लगी है? हिम्मत देखो इसकी, चाबी चुरा के फोन का लॉक खोलकर फोन कर रही थी ये। ऐसे क्या देख रही है? आंखें नीचे कर। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे परिवार वालों के साथ खिलवाड़ किया? मैंने अभी अभी पूनी जी की बीवी से बात की है। अगर ऐसा ही था तो क्यों अपने घर की बहू बना के लाए आप लोग मुझे? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ऐसा कुछ कर सकता है। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने सिर्फ कुछ रुपयों के लिए। इतनी आसानी से तो मैं अपने और अपने परिवार वालों की इज्जत के साथ आपको खेलने नहीं दूंगी। तुझे क्या लगा
मेरा पुत्र तुझ जैसी अनपढ़ गवार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा। और सुन, इससे पहले कि तेरी जुबान खुले हम तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। किचन में गैस लीक होने के एक्सीडेंट कहां नहीं होते? चलो किचन में। रुक जा! बोलता हूँ दरवाजा खोल। हरप्रीत का फोन नहीं आया बड़े दिनों से। फिक्र क्यों करते हो? खुश होगी अपने परिवार वालों के साथ, देख लेना। ये कौन घंटी बजा रहा है? मैं देखती हूँ। अरे बीजी, पुत्र क्यों या? बेटा क्या हुआ? बेटा हमें बताया गया कि तू बोनी के साथ विदेश चली गई है। उन्होंने वहां पे दूसरी शादी कर ली है बाबूजी। ये सब मेरी गलती है। रहना रहे तो मात के सपने में मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर हरप्रीत के घर वालों ने उस लड़के के बारे में जानकारी ली होती तो शायद आज हरप्रीत इस स्थिति में नहीं होती। अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की लालच में हरप्रीत के घर वालों ने एक के बाद एक गलतियां की, लेकिन उन्हें अब अपनी इस गलती का एहसास हो चुका था और इसीलिए अपनी बेटी के साथ हुए धोखे और बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला उन्होंने कर लिया था। मेरी बेटी की हालत पे गौर फरमाइए साहब, जाल लेने पर उतराइए लोग। मेरे बेटे और उनकी बेटी के बीच तो कब का तलाक हो चुका है। अगर तलाक हुआ होता मेरी बेटी को पता नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, आप खुद देख लीजिए, ये वो तलाक के पेपर्स हैं जिस पर मेरे बेटे ने और इनकी बेटी ने अपनी सहमति से साइन किया है। बात दरअसल ऐसी इंस्पेक्टर साहब, इसका किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मेरे बेटे ने इसको तलाक दिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास आप कर रहे हैं। आप चुप रहिए, नीचे बैठिए। देखिए राजेंद्र जी सही कह रहे हैं, अगर इन लोगों का आपसी समझौते से तलाक हुआ है तो फिर तो कोई केस ही नहीं बनता। केस करेंगे हम पे। चलो जी। अब कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर एक नए तरीके से जिंदगी शुरू करेंगे हरप्रीत की। उसे भी गलती समझकर। नहीं बाबूजी, जो इस दुनिया में नहीं आया उसको क्यों उसकी गलती की सजा दे? उसकी क्या गलती है? सजा तो उसको मिलनी चाहिए जिसकी गलती है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, लेकिन पुनी और उसके परिवार वालों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इतनी बड़ी चाल, इतने बड़े षड्यंत्र का शिकार बनने के बाद हरप्रीत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने परिवार वालों को भी समझा दिया था कि अगर उसने अपने साथ हुए इस जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो ऐसे ही चालबाज और धोखेबाज लोगों की हिम्मत बढ़ती जाएगी और फिर हरप्रीत जैसी कोई दूसरी लड़की इसी तरह के साजिश का शिकार बन जाएगी। हरप्रीत बोनी और उसके माँ बाप को एक ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जिससे कि उसकी ये लड़ाई बाकी लड़कियों के लिए मिसाल बन जाए। पढ़े लिखे होकर के भी आप लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अखबार नहीं पढ़ते क्या आप लोग? आए दिन इस तरह की धोखाधड़ी की खबरें कितनी आती रहती हैं, कितने तो केस दर्ज हैं। गलती तो हो गई पर अब क्या हो सकता है? सबसे पहले सास ससुर पर डोरी और हैरेसमेंट का केस करना होगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस हो सकता है, लेकिन उसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए हूं। हे
फिर आ गए आप लोग और इस बार पुख्ता सबूत लेकर के आए। ये है कैश ट्रांजेक्शन की कॉपी जिससे साबित होता है कि 40 लाख दिए हैं इन लोगों ने बोनी संधू के परिवार को। ये है लैंड ट्रांसफर की कॉपी। और ये हरप्रीत का मेडिकल सर्टिफिकेट। तो अब तो आप बोनी के परिवार को रिमांड पर ले सकते हैं। आ गए सब लोग? इनका बेटा विदेश में रहता है तो ये सब विदेश गए हैं। थैंक्स। लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अब समझ क्यों नहीं रही हैं? अब ये मामला लोकल नहीं रहा, अब ये मामला दो देशों के बीच का हो गया है। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय। सुनिए, मुझे मंत्री जी से मिलना है। देखिए मंत्री जी, इस तरह सबसे नहीं मिल सकते। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मुझसे शादी की और अब विदेश जाकर दूसरी शादी कर दी है। मुझे न्याय चाहिए। देखिए मैडम जी, हमारी मिनिस्ट्री के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं सुलझाने के लिए, सो प्लीज डोंट ट्रबल मी। आप यहाँ से जाइए। आप समझ क्यों नहीं रही है बात को? ये सब इतना आसान नहीं है। विदेश मंत्रालय एक केस के लिए अपने नियम कानून नहीं बदलेगा। एक केस कहाँ है ये? आपने ही तो कहा था कि ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो फिर वो कहीं दर्ज भी हुए होंगे। मैं उन सारे केस को इकट्ठा करूंगी और हम सब मिलकर लड़ेंगे। हरप्रीत ने एनआरआई द्वारा धोखाधड़ी के जितने केसेस पुलिस स्टेशन में या फिर किसी एनजीओ में दर्ज हुए थे उन सब की लिस्ट बनाई और उन सबको संपर्क किया और इस तरह से अपने जैसे इस तरह के धोखे का शिकार हुई औरतों को साथ मिलाकर हरप्रीत ने लड़ने की मुहिम शुरू कर दी। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है कि किसी ने हमारा फायदा उठाया, हमें विदेश ले जाने का लालच दिया और फिर हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आखिर हम लोगों की गलती क्या है? हमने तो उन्हें अपना सब कुछ माना था, तो फिर सजा हमें क्यों मिली? सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए, हमें नहीं। और अगर आप साथ दें तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे। विदेश मंत्रालय के इस दफ्तर के बाहर ये सारी औरतें बैठी हुई हैं शादी के जोड़े में। ये वही औरतें हैं जो एनआरआई दूल्हों के झूठे वादों की शिकार हुई हैं। और ये एनआरआई दूल्हे हमारे देश की सीमा से बाहर चले गए हैं, जिसके कारण हमारे कानून के पहुंच से बाहर हैं। और इसलिए ये सारी औरतें आज यहाँ मंत्री जी से अपने इंसाफ की मांग कर रही हैं। और इन सब औरतों को यहाँ पे इकट्ठा करने का श्रेय जाता है हर्षित कौर जी को। ये उनकी हिम्मत और पहल का ही तो नतीजा है जो इतनी सारी औरतें आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो बस आज हमें ये देखना है कि इन सारी औरतों को इंसाफ मिलता है या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे इस सारे आंदोलन के आयोजनकर्ता से मिलने के लिए। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और अगर हमारे साथ अपराध इस देश की सीमा के अंदर हुआ है तो अपराधी को सजा भी इस देश की सीमा के अंदर मिलनी चाहिए, ताकि वो लोग आगे से ऐसा धोखा करने से पहले लाख बार सोचें। देखिए अब तक करीब 20,000 औरतों के साथ इस तरह का धोखा हो चुका है। औरतें सड़क पर आ गई है, इसे रोकना होगा, कुछ सख्त नियम बनाने ही होंगे। जी देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरह की शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और ऐसे भगोड़े पतियों को इंडिया वापस बुलाने के लिए जल्द से जल्द कोई प्रबंध करना चाहिए। अगर उन्हें डिवोर्स भी चाहिए तो डिवोर्स भी यहाँ की अदालत में फाइल होना चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस तरह की केसेस के लिए पासपोर्ट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट का आयोजन कर देते हैं जो ऐसे मामलों की जांच पड़ताल कर लेगा।
वर्तमान हालत में ये बहुत जरूरी है कि हरप्रीत के ससुराल वालों को इंडिया वापस लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। रेड कॉर्नर नोटिस एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को तब जारी करती है जब कोई खतरनाक मुजरिम जुर्म करने के बाद दूसरे देश में भाग जाता है। इस नोटिस के जरिए दूसरे देश की पुलिस उस मुजरिम को गिरफ्तार करने के बाद उसे वापस भेज देती है। अब आम तौर पर इस तरह का एक्सट्रेडिशन माफिया या फिर खतरनाक आतंकवादियों पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शादी के नाम पर धोखाधड़ी का NRI कनेक्शन भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। इसीलिए सरकार ने इस केस पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। रेड कॉर्नर नोटिस की मदद से दूसरे देश के एयरपोर्ट पर बोनी और उसके माँ बाप को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें इंडिया वापस भेज दिया गया। डिफेंस की फाइल पर गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बोनी उर्फ कमलजीत संधू इसने जानबूझकर हरप्रीत कौर को तलाक दिया, लिहाजा यह अदालत उन्हें दोषी मानते हुए उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। बोनी और उसके घर वालों को ना सिर्फ सजा मिली बल्कि दहेज में मिली सारी रकम और प्रॉपर्टी भी हरप्रीत के घर वालों को वापस करनी पड़ी। उसके बाद हरप्रीत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और आज भी उसे अकेले ही पाल रही है। हरप्रीत ने एक NGO भी ज्वाइन कर लिया जो इस साजिश के खिलाफ समाज को जागृत करता है और उन सभी लड़कियों की सहायता करता है जो हरप्रीत की तरह इस धोखे का शिकार हुई। हरप्रीत की लड़ाई के बाद मामला काफी बेहतर हो गया है क्योंकि इस मामले के बाद भारत सरकार को ऐसे बहुत सारे नए कदम उठाने पड़े जिसकी वजह से इस तरह के जुर्म के आंकड़ों में कमी हुई है, जिससे हर NRI को एक आम भारतीय की तरह भारत देश के हर कानून का पालन करना होगा और इस तरह से की गई शादी को रजिस्टर करवाना भी बहुत जरूरी है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि इस एपिसोड के जरिए हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपकी बेटी की शादी किसी NRI से करवाना गलत बात है। हम आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की शादी में जल्दबाजी ना करें। शादी से पहले लड़के और उसके परिवार के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपनों को अगर सच करना है तो जागना बहुत जरूरी है, आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। शादी के रिश्ते की नींव सिर्फ रुपयों पर नहीं खड़ी की जा सकती है। रिश्ते को तय करने से पहले ये बात बहुत जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ही पक्ष एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी रखें। एक दूसरे के बारे में पुख्ता जानकारी होने के बाद ही किसी भी रिश्ते में विश्वास कायम हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती है। कल फिर मिलेंगे जुर्म के खिलाफ जंग की ऐसी ही एक बेमिसाल दास्तां के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान।